दोस्तों आज आशुतोष हैं हमारे साथ, ये हमारी वर्कशॉप में आए थे और यहाँ आने से पहले इन्होंने 2-3 साल थिएटर किया है और यहाँ आने के बाद काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल किया है और अभी इन्हें कुछ काम मिलना शुरू हुआ है, कुछ सीरियल्स में काम किया है और इन्हें एक फिल्म भी मिली थी, बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, कौन सा, धर्मा, यशराज की एक फिल्म भी मिली थी, बट वहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ कि इनके पास सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड नहीं था, उस टाइम पूरा सब फाइनल हो गया था, उन्होंने फ़ोन पे इनसे पूछा कि आपके पास सिंटा का कार्ड है, बोले नहीं है, तो उन्होंने सीधा एक ही बात कह के फ़ोन रख दिया कि नहीं, हम सिंटा के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। और यहाँ आने के बाद जो इन्होंने थिएटर किया और थिएटर करने के बाद जो यहाँ आए, क्या चीज़ों में टेक्निकल डिफरेंस मिला, क्या एक्सपीरियंस है, तो वो मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ शेयर करें, क्योंकि एज एन एक्टर ठीक है मैं कुछ नॉन एक्टर्स को भी ला सकता हूँ, बट मुझे क्या लगता है कि जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, आए हैं, उनकी जर्नी अगर आप देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमारी वर्कशॉप में आए तो आप वर्कशॉप के वीडियोस में भी इनको देखोगे और फिर आज करीब 1 साल बाद ये हमें मिले, तो इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने यहाँ से एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन किया, वो ही आपके साथ शेयर करें। तो हम बात करते हैं आशुतोष से। जी हाँ, चलो आशुतोष बताओ क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा यहाँ का आने के बाद काम के लिए, और क्या तुमने कैसे काम शुरू किया, तो ज़रा अपना शेयर करो। हेलो, मेरा नाम आशुतोष प्रियदर्शी है। मैं करीब 1 साल कुछ महीने पहले मैं मुंबई आया था, तो जैसा आप लोग सभी सर के वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं वैसे मैं भी देखा करता था, तो आने के बाद सीधा सर के पास पहुँचा और उनसे मैं कॉन्टेक्ट किया कि सर मैं आया हूँ और वर्कशॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थिएटर किया है और इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। फिर यहाँ सर के साथ हमने वर्कशॉप किया 7-8 दिनों का, उससे कुछ टेक्निकल नॉलेज जो थी वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया हमने, क्या क्या है क्या नहीं है। सर के यहाँ से मेल की लिस्ट मिली हमें, कई प्रोडक्शन हाउसेज के जो हैं मेल वगैरह के, तो फिर भेजना चालू किया। फिर एक ऑडिशन ग्रुप में शामिल हुआ व्हाट्सएप पे, जो होते हैं कि जो कि अपडेट मिलते रहते हैं कि हाँ जी यहाँ ऑडिशन है, यहाँ ऑडिशन, कई जगहों पे जाता था शुरुआत में। कई जगहों पे ऐसा होता था कि आप फिट नहीं है करेक्टर के अनुसार, क्योंकि हमारा लुक वैसा नहीं था, तो करेक्टर के अनुसार आप फिट नहीं है, या अगर फिट भी है तो फिर शायद कोई और क्या है क्या नहीं, वो तो मैटर पता नहीं मुझे। शुरुआत में ऐसे ही होता था, बड़ी निराशा होती थी कि ऐसे कैसे हो रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं, हमने सोच किया था कि 2-3 महीने में काम मिल जाएगा, मगर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा 2-3 महीने। शुरुआत में समझने में भी टाइम लगता है कौन सा जगह किधर है, कौन सा जगह क्या है, मगर एक बात पता था मुझे कि टाइम लगेगा ही, क्योंकि मैं उस टाइप तो हूँ नहीं कि हमारा लुक वैसा है कि जाते जाते कहीं कुछ काम मिल जाए, मुझे पता था टाइम लगेगा। नवाज सर जो है उनको जब इतना टाइम लगा NSD पास आउट थे, तो मैं तो अभी ऐसे ही हूँ नॉर्मल किसी थिएटर से थिएटर करके आ, था मेरे पास, तो इस कारण से मैं लगा रहा धीरे 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 अपनी कमियों को ढूंढता रहा कि रीजन क्या है। तो रीजन यही समझ में आता था कि कुछ कमी है हमारे अंदर। शुरुआत में आया था तो मेरे लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम थी, शायद अभी भी है मगर इतना नहीं है, मैं जैसा फील करता हूँ खुद का, अगर खुद एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो शुरुआत में लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो हमारा डिक्शन अच्छा नहीं था और दूसरा डायलेक्ट जो हम अपने जगह का था, अपने रीजन का, वो प्रेजेंट करते थे अपने लैंग्वेज से, तो उस चीज़ पे थोड़ा कोशिश किया, उसे ठीक करने की कोशिश की। फिर उसके बाद लगा, उसके बाद फिर ऑडिशन देना चालू किया, तो फिर पता चला कि कॉन्फिडेंस में कमी है, कैमरे के सामने कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करना होता, हम जैसा करते हैं वैसा नहीं, वो एक बंद करके एक लिमिट में आकर के कि हाँ जी सामने कैमरा चल रहा है तो डर करके परफॉर्म करते, तो उसे ठीक करना होगा, उसमें काफ़ी टाइम लगा, प्रैक्टिस करना पड़ा खुद रूम पे बैठ करके, तो वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर जाते थे यहाँ ऑडिशन वगैरह के लिए, फिर बाद में पता चला कि अगर आप एक्टर हैं तो एक्टर जैसे दिखने भी चाहिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे नहीं कि उठ करके ऐसे ही चले गए ऑडिशन वगैरह के लिए, चाहे के अंदर टैलेंट है मगर वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में आप कैसा दिख रहे हैं, भले ही काले हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके कपड़े ठीक ठाक तरीके से होने चाहिए, तो वो भी कुछ दिन
एक बार ऐसे ही हुआ, मैं कहीं चला गया तो वहां जा करके मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक प्रॉपर तरीके से इधर आना चाहिए, अपना बढ़िया से कपड़े वगैरह करके, कहीं गंदे नहीं होने चाहिए कोई भी जगह पर। फिर धीरे धीरे लगा रहा, फिर पिछले 18 सितंबर को यशराज में ओपन इंट्रोडक्शन और ऑडिशन था, यशराज प्रोडक्शन में। बड़ी तैयारी हो गई थी तब तक, तो बहुत दिन हो गए थे, तो बहुत प्रैक्टिस करके, कोशिश करके, हर चीज को कोशिश करके दूर करने की, गया वहां पे, वहां ऑडिशन हो गया, सेलेक्ट हो गया ऑडिशन में। एक दिन सोया हुआ था मैं, फोन आया वहां से, मेरा रूम पार्टनर उठाया, फिर वो ईयरफोन लगा हुआ था फोन में, तो फोन लगा कर बात कर रहा था तो सुने कहाँ दे रहा ईयरफोन लगा रहा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दोबारा फोन आया उनका, तो उसने ईयरफोन हटा के बात किया, पूछा तो उधर से आया यशराज प्रोडक्शन से बोल रहा, उसे तो पहले विश्वास नहीं हुआ, मगर तुरंत उसने मुझे उठाया कि भाई देख बात कर। तो मैंने बात किया तो उन्होंने पूछा कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप ये बोल रहे? तो मैंने कहा हाँ। तो आप सिंटा के मेंबर हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम लोग सिंटा के मेंबर को हायर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब बात यहीं पे खत्म हो गई, सिंटा के मेंबर नहीं है हम, और वो सिंटा के मेंबर को मांग रहे थे, हायर कर रहे थे। तो इनमें फोन हमने कह दिया नहीं है हमारे पास, तो फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत अफसोस हुआ जब बाद में मुझे पता ये चले कि सिंटा का कार्ड बन सकता है बिना काम किए हुए, क्योंकि शुरुआत में मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि सिंटा के कार्ड के लिए 7 या 6 सीरियल्स वगैरह करने होते हैं प्रोमिनेंट रोल में, और ये 1-2 फिल्म करनी होती है तब सिंटा का कार्ड बनता है। बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं ऐसा नहीं है, सिंटा का कार्ड बन सकता है नॉर्मली तरीके से भी ऑडिशन देकर के। वहाँ फिर बहुत अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि शुरू में आया, कई लोग ऐसे हैं आप विश्वास नहीं मानिएगा, जब आप आइएगा मुंबई में तो देखिएगा, कई लोग ऐसे हैं जो कई सीरियल्स वगैरह करते हैं, यहाँ तक का सेकंड लीड थर्ड लीड में भी करते हैं, उन्हें फिल्म के इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक छोटा सा कैरेक्टर नहीं मिलता उनको, कई साल तक धक्के खाने के बाद इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं सीरियल में 10 साल, मगर उसे फिल्म में बड़े प्रोडक्शन हाउस में एक कैरेक्टर भी नहीं मिलता। और मैं आया था पहले साल के कुछ महीने बाद ही मुझे ये मौका मिला था। अब और भी ज्यादा अफसोस होता है जब चीजों को और समझता हूँ, तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी कार्ड बना लिया? हाँ सर, अभी कार्ड बना लिया है जो कि मेरे दिखाओ है। मैं लेके घूमता हूँ। हाँ दिखाओ जरा सामने, ये सिंटा का कार्ड है। एक साल का वर्क परमिट है? हाँ, एक साल का वर्क। अच्छा, कितना कितना चार्ज किया इसका उन्होंने? 10,000 लिया सर, शुरू में एप्लीकेशन फॉर्म के 150 रुपये और चेक वाइज 10,000। अच्छा 10,000, तो अभी ये 3 साल तक तुमको 10,000 रुपये देना? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाएगी। हाँ, तो फिर अभी जैसे वहाँ पे फिर क्या हुआ, इंटरव्यू ऑडिशन क्या हुआ, कैसे हुआ वहाँ पे? सिंटा में सबसे पहले गया मैं पता लगाने के लिए, तो वहाँ बताया कि आप है ऐसा कि फॉर्म भर लीजिए आप, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने होंगे। डॉक्यूमेंट बोले तो जो आपके आप यहाँ जो प्रेजेंट एड्रेस पर रहते हैं उसका डॉक्यूमेंट, और फिर आपका जो भी है एक चेक लगेगा जो आपके नाम से होगा, और वो 10,000 रुपये का चेक वहाँ जमा कराना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद आपका ऑडिशन होगा, एक डेट पर बुलाया जाएगा आपको ऑडिशन और साथ में इंटरव्यू टाइप का कुछ। तो वहाँ ऑडिशन और इंटरव्यू में क्या हुआ फिर? सबसे पहले तो जो थे वहाँ एक दीपक काजिर करके हैं, वो लेते हैं इंटरव्यू और ऑडिशन दोनों, तो गए हम लोग, बैठाए हुए थे, फिर मेरा जब नंबर आया तो मुझे बुलाया, पूछा क्या नाम है, क्या करते हैं आप, क्या एक्सपीरियंस है आपका, कितने साल हो गए मुंबई में आए हुए, अगर इतने दिन हो गए तो अब तक आपको काम क्यों नहीं मिला, इस तरीके से शुरुआत में पूछ रहे थे जब कार्ड बनाने गया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने बताया सारी बातें कि सर ऐसा है कि मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में सिर्फ कॉन्टेक्ट करता हूँ, छोटे मोटे सीरियल वगैरह में उस टाइम नहीं कर रहा था मैं, तो मैं फिल्म के चक्कर में ही लगा हुआ हूँ इतने दिनों से, इसलिए मैंने कभी छोटे मोटे काम किए नहीं, और एक 2 जगह पे हुआ भी सर, तो मैंने बताया उनको सब कुछ कि देखिए हाँ यहाँ हुआ था मगर कार्ड की वजह से ही नहीं हो पाया। फिर
उसके बाद ऑडिशन लिया उन्होंने, मेरा सेल्फ लिया, फिर खुद भी उन्होंने स्क्रिप्ट दी, उसको दो तरीके से करवाया। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बोला ठीक है आपको, थोड़े मेरे जुबान के कारण वो लैंग्वेज प्रॉब्लम अभी भी है थोड़ी थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसका सुधार करें। तो एज एन एक्टर आप क्या लगता है लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है सर। रीजन क्या ना कि यहाँ पर जो भी आपसे बात करेंगे वो आपके बात करने के तरीके से ही आपका आपको जज करते हैं कि आप सच में एक्टर हैं कि नहीं है। ऑडिशन की जरूरत नहीं, खाली बात करने से पता चल जाता है। वो जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे ना तो आपके अगर बात करने के तरीके में अगर उस तरीके का होगा कि वो अपने आप एक वो अपना बना के रखते हैं कि जिससे आप खुद जब आपको अच्छी लैंग्वेज का नॉलेज होगा ना तो किसी सामने वाले से बात करेंगे तो तुरंत उसकी पर्सनैलिटी उसके चीज़ों का आप पकड़ सकते हैं कुछ भी कि हाँ जी ये कितना सीखा हुआ है या कितना क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ। चलो ये तो ठीक है कार्ड का हो गया, बट जो तुमने 3 साल जो थिएटर किया यहाँ आने से पहले अपने शहर में और यहाँ आने के बाद जब तुमने घूमना फिरना शुरू किया तो क्या समझ में आया कितना डिफरेंस है वो जो थिएटर किया है और यहाँ का जो प्रोसेस है काम का तरीका कितना डिफरेंस है? सर जैसा आपने वीडियोज में बताया है वो बिल्कुल सही है कि थिएटर में क्या होता है कि हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं लाउड होते हैं, जो भी करते हैं हमारा वॉइस भी लाउड होता है और हमारे जो मूवमेंट भी होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं कैमरे के अनुसार, सॉरी कैमरे के अपोजिट में, जैसे कैमरे में जो होता है कैमरे के सामने जैसा परफॉर्म करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंस होता है उसमें। लास्ट टाइम आपसे मिला था सर वर्कशॉप के बाद तो आपने एक बात बताई थी मुझे जो कि मुझे अभी तक याद है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो है कि जब हम थिएटर करते हैं तो हमारा कोई भी जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है उसे हमारा ऑडियंस पकड़ नहीं पाता। अगर हम झूठ मूठ भी रोने की कोशिश करेंगे और सिर्फ बॉडी का उस तरीके से हम पोस्चर अपना बना लेंगे और वॉइस में अगर हमारा रोने का होगा तो ऑडियंस को लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, पर कैमरे के सामने होता है कि हमारा एक एक माइक्रो एक्सप्रेशन भी हमारा पकड़ता है कैमरा, छोटा से छोटा मूवमेंट भी दिखती है। हाँ एक एक चीज आपकी, अगर कोई भी कुछ भी आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट के अनुसार आपका एक भी इधर के कोई भी पोर्शन अगर सही नहीं है तो कैमरा तुरंत पकड़ लेगा कि हाँ जी ये एक्टिंग नकली कर रहा है, सीधी सी बात है क्योंकि कैमरे में आपका पूरा चेहरा क्लोज आता है। तो मींस जैसे थिएटर आपने किया है और आप बॉम्बे आते हो तो ये टेक्निकल चीजें सीखने की जरूरत है? हाँ टेक्निकल चीजें सीखने की जरूरत है और एक्टिंग वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी थिएटर से भी हेल्प मिलेगा। हाँ नहीं थिएटर से क्या हेल्प होता है, थिएटर से आपको कॉन्फिडेंस आता है, लैंग्वेज एक्सप्रेशन इमोशन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हो तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, यहाँ आने के बाद यहाँ के हिसाब से तो कस्टमाइज होना पड़ेगा ना, तो अभी तुमको भी काफी टाइम इन चीजों के साथ कस्टमाइज होने में लग गया, तो अभी जो तुमको काम मिलना शुरू हुआ है जो भी काम मिला है तो क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहोगे जो नए लोग हैं कि काम कैसे मिलता है कितना है और क्या करना पड़ेगा? यही है सर कि जब काम मिलना शुरू होता है तो बाद में अफसोस होता है कि यार ये तो कभी फॉलो कर ही नहीं रहे थे स्टेप जो पहले, अभी जो हमने शुरू किया है जो स्टेप हमने अपनाया है ये हमने पहले नहीं किया, पहले कुछ और कर रहे थे जिस कारण से काम नहीं मिल रहा था। अब जो भी मिल रहा है वो उसका ट्रैक अलग था जो कि हम पहले ट्राई कर रहे थे, तो इस कारण से थोड़ा टाइम लगता है काम मिलने में। अभी इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं मगर छोटे मोटे काम रेगुलर मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं 2-4 उनको पकड़ लिया है, तो जब भी मुझे मन करता है कि हाँ जी कल को काम करना है तो फोन लगा देते हैं कि हाँ सर 2-3 हैं तो उनको फोन लगाते हैं सर कल कहाँ जाना है, तो उनके पास कोई रिक्वायरमेंट होती है हमारे जैसी तो बता देते हैं कि हाँ जी आपको यहाँ जाना है कल। अच्छा तो जो नए लोग हैं, नए लोग जो बॉम्बे आना चाहते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? यही कहेंगे सर बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि वो पेशेंस, पेशेंस रखें। हाँ वो अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं भले ही आपको एक्टिंग आए जाना है, क्योंकि जब आप धक्के खाएंगे तो सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे कि हाँ जी क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें है और हमें होनी चाहिए, वो चीज़ अपने आप धीरे 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 हो जाएगा। तो सीखना कितना ज़रूरी बॉम्बे आके या जो भी है टेक्निकल चीज़ों को सीखना कितना ज़रूरी, क्या हेल्प उससे मिलेगी? सर वो नहीं सीखेंगे तो वहाँ पर एक बात मैंने
सोचा क्या सर, मैंने कहीं सुना है कि काम मिलना, एक काम मिलना उतना आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है कि एक काम के बाद इंडस्ट्री से बाहर हो जाना। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप पहला दिन काम करेंगे, उसके बाद आपके बारे में फिर बातें जो होंगी वो ऐसे ही होंगी, फिर दोबारा आपको बुलाया नहीं जाएगा। तो ये देखा आप लोगों ने कि आशुतोष ने डिटेल में अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये रीजन यही है कि भाई इनकी जर्नी हमारे साथ शुरू हुई है और ये आप लोगों के बीच में से ही अभी निकल के आए हैं और अभी इनको काम मिलना शुरू हुआ है, तो इन्होंने हर चीज डिटेल में बताई आर्टिस्ट कार्ड की क्या जरूरत है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और टेक्निकल चीजें जो कैमरे में और थिएटर में क्या डिफरेंस है वो जब यहाँ समझ में आता तो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर होगा एज एन न्यूकमर।